मैं सभी महिलाओं से, माताओं बहनों से बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। मैं राजपूत परिवार से हूँ और ग्रामीण महिला हूँ, लेकिन मैंने अपने संघर्ष से और अपनी मेहनत से, अपनी पढ़ाई लिखाई से मैं आज एक शिक्षिका हूँ, सेकेंड ग्रेड टीचर हूँ और गांव में पढ़ाने जाती हूँ। और मैं सभी महिलाओं से और बहनों से, बेटियों से कहना चाहूँगी कि वो अपने घर में और बाहर भी संघर्ष करके अपनी मेहनत से और पढ़े लिखे और आगे निकले, कुछ बने। सिर्फ घर में ही रहने से, चूल्हा चौकी करने से, झाड़ू पोछा करने से ज़िंदगी नहीं निकलती है, इसके लिए कुछ करना पड़ता है। अगर हम मेहनत करेंगे, खुल के बात करेंगे, सामने आएंगे, तो हमारा जीवन अच्छे से गुजरेगा। हमें पढ़ाई में महत्व तो देना चाहिए और किसी के सामने हमें, अगर हम कुछ बन जाएंगे, अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, तो हमें 2 रुपए के लिए या कुछ भी पैसों के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाने की अपनी शक्ति को, खुद को आगे बढ़ाना होगा। और अपनी बेटियों को भी बेटों के बराबर आगे पढ़ा लिखा कर उनको शक्ति प्रदान करनी होगी कि हमारी बेटी है। उनको सुरक्षित रखने के लिए हमें हर तरह के उनको बताना होगा कि तुम कैसे सुरक्षित रह सकती हो और उनको बचाओ। अपनी शक्ति बढ़ा के खुद करना होगा, उनको आगे बढ़ाना होगा, ताकि वो बेटों से भी बढ़कर अपना आगे अपना विकास कर सके, मानसिक शारीरिक, और वो आगे उन्नति कर सके। इसलिए बेटियों को यही कहूंगी मैं, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटियों को भी पढ़ाना चाहिए, उनको भी बचाना भी चाहिए। आजकल बेटियों का कितना हनन हो रहा है हर तरह से, लेकिन हमें खुद को शक्ति प्रदान करके आगे बढ़ाना है, अपनी बच्चों को बचाना है, उनको पढ़ाना है, ताकि वो खुद विकास कर सके और आगे बढ़ सके। बी केयरफुल माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ सभी महिलाओं से कि वो खुद अपनी शक्ति को पहचानें, शक्ति करें और आगे बढ़ें, और खुद का भी विकास करें और अपना खुद संघर्ष करके अपनी विकास को आगे बढ़ाएं। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन।